OEM और बूट लोडर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो कौन बताएगा इसके बारे में? नमस्कार दोस्तों, AK Info के ऑफिशियल YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अपने कोर्स के ड्यूरेशन में हम अपने स्टूडेंट्स को क्या क्या कराते हैं और कितना सिखाते हैं, आज हम जानते हैं इन्हीं के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन कि OEM और बूट लोडर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो कौन बताएगा इसके बारे में? तो सैयद जी आप बताइए। बूटलोडर और OEM में बस इतना फर्क है, नाम का अंतर है और वैसे कुछ फर्क है नहीं, दोनों सेम है। इससे क्या, जब हम OEM अनलॉक करते हैं तो उसे हम जो सिक्योरिटी फाइल्स होती है उसको हम स्किप करते हैं और हमारा फोन अनलॉक हो जाए, जैसे FR भी लगता है तो वैसे वो चीजें हम हटा सकते हैं। ठीक है, वेल डन। तो चलिए आज जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी हमारे लेटेस्ट मोबाइल फोन हैं, हम बात करें नोकिया मोबाइल फोन्स की, एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स की, जैसे नोकिया 1, 2, 3, 5, 6, 7, बहुत सारे लेटेस्ट मोबाइल फोन हैं। तो आज जानेंगे और बताएंगे हमारे स्टूडेंट्स कि इन मोबाइल फोन को हम कौन से टूल से फ्लैश कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी एरर्स। तो इसके बारे में कौन बताएगा? तो बताइए जीतू जी, कौन से टूल का यूज करेंगे हम इसके लिए? OST टूल से हम ऑनलाइन मोबाइल को फ्लैशिंग करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है ऑनलाइन, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन सर्विस टूल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सैमसंग मोबाइल फोन को हम फ्लैशिंग तो करते हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन है जो मोबाइल फोन को फ्लैश कर देते हैं बट उनको पता नहीं होता, 3, 4, 5, 6 फाइल्स को डाउनलोड करते हैं और फ्लैश कर देते हैं, बट उनको यही नहीं पता लगता है कि हमने इतनी सारी फाइल्स को फ्लैश तो किया बट फ्लैश करने के बाद जो हमने लास्ट फाइल की वो उससे तो फ्लैश हुआ, उससे पहले वाली फाइल से क्यों नहीं फ्लैश हुआ। तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें जब हम सैमसंग मोबाइल फोन के फ्लैश फाइल को डाउनलोड करते हैं, तो कौन बताएगा इसके बारे में? तो बताइए आप विष्णु जी। सैमसंग के कोई भी फोन फ्लैश करने के लिए हमें सबसे पहले सैमसंग फोन को डाउनलोड मोड में लेके जाना। ठीक है, सैमसंग फोन को डाउनलोड मोड में लेने के जाने के बाद उसके हम सबसे पहले बाइनरी नंबर को चेक। बिल्कुल बेहतरीन जवाब। बाइनरी नंबर क्या है? बाइनरी नंबर अकॉर्डिंग ही हम उसके फ्लैश फाइल को डाउनलोड करेंगे। फोन में जो भी बाइनरी नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम फाइल डाउनलोड करने के बाद हमारे पास अगर ओडिन टूल है तो ओडिन टूल में हम उस फाइल को डालकर फ्लैश कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जवाब। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आजकल के बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन्स की बात करें जो कस्टमर की डिमांड होती है कि भाई हम विदाउट डेटा लॉस किस तरीके से अपने मोबाइल फोन के पैटर्न को अनलॉक करें। बहुत सारे ऐसे जो कस्टमर की बात करें तो हमारी शॉप्स के ऊपर आते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें विदाउट डेटा लॉस मोबाइल फोन अनलॉक करानी है, पिन पैटर्न पासवर्ड कुछ भी लगा है हम उसको अनलॉक कर सकते हैं। जैसे हम बात कर ले सैमसंग मोबाइल फोन्स की ही बात करें तो सैमसंग मोबाइल फोन का एज्यूम करते हैं आप लोगों के पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि भाई मुझे विदाउट डेटा लॉस पैटर्न रिमूव करना है, तो आप में से कौन कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं? Yes, sir. तो आप बताइए। सैमसंग मोबाइल फोन अनलॉक की FRP हटाने के लिए सर पहले हमें सैमसंग मोबाइल को डाउनलोड मोड पर ले जाना होगा। ठीक है, उसका EFT डोंगल हम ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें सेलेक्ट मॉडल एंड बाइनरी नंबर ठीक है करना है और उसके बाद स्क्रीन लॉक रिसर्च पे क्लिक करना है। ठीक और है, ऑन क्लिक करके स्टार्ट कर। शाबाश, वेल डन। तो देखा किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स ने एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम की बात करें, एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम की बात करें, तो उन लोगों को जो हमारी मार्केट की नीड है, हम बात करें मार्केट के अंदर जो भी रनिंग फॉल्ट्स हैं या भी जो भी मार्केट के अंदर नीड है, उन चीज़ को ये जल्दी कैप्चर करते हैं और जल्दी उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम आप लोगों को इस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं कि आप लोग जो भी मार्केट के अंदर फॉल्ट्स हैं, कोई भी फॉल्ट है, कोई भी नया फॉल्ट है, तो उसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं, खुद अनलॉक कर सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना है, ये नहीं कि आप हमारे ऊपर डिपेंड रहे, आप खुद भी उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इतने सभी लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन के फ्लैशिंग की बात करूँ, अनलॉकिंग की बात करूँ, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर उनकी बात करूँ, आप भी चाहते हैं कि मैं उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से बात करें कि ये नहीं कि मैंने भाई गूगल किया, गूगल से करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने फॉल्ट्स के बारे में देखा, उसके बारे में काम किया, काम करने के बाद प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हुई। बट अगर मैं बात करूं कि भाई मेरा बेस स्ट्रांग है, किसी भी काम को करने की बात की जाए, अगर बेस स्ट्रांग है तो मैं उस पॉइंट को जल्दी रिकवर कर सकता हूँ, उस पॉइंट को जल्दी पकड़ सकता हूँ।
अगर आप भी चाहते हैं इस कोर्स को करना और अपना भी अपना करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू। एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? AK4!